हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल सीपीसी एजुकेशन में। सो जो आज की हमारी क्लासेस रहने वाली है वह आपका ट्रांसमिशन मोड। आज की क्लासेस में हम जानेंगे ट्रांसमिशन मोड किसे कहा जाता है, कितने टाइप के आपके ट्रांसमिशन मोड होते हैं, ये आज हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रांसमिशन मोड किसे कहा जाता है। ट्रांसमिशन मोड क्या होती है? एक टेक्निक होती है जो डिफाइन करता है कि दो डिवाइसेस के बीच में जो डाटा का ट्रांसमिट करने का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, वो आपका क्या करता है, ट्रांसमिशन मोड डिफाइन करता है। अब ट्रांसमिशन मोड तभी पॉसिबल हो पाता है जब जो आपके पास डिवाइस होते हैं वो आपके नेटवर्क्स होना चाहिए उन डिवाइसेस में, तभी आपका क्या होता है, ट्रांसमिशन मोड पॉसिबल हो जाता है। अब जो ट्रांसमिशन मोड जो होता है इसे हम सबसे पहले कम्युनिकेशन मोड्स के नाम से, डायरेक्शनल मोड के नाम से भी जानते हैं। आपका डायरेक्शनल मोड क्यों? क्योंकि ये आपको डायरेक्शन देता है डाटा का कि आपका जो डाटा का डायरेक्शन होगा वो किस वे में होगा, यानी आपका जो डाटा का डायरेक्शन होगा वन वे में होगा, टू वे में होगा, ये सारा का सारा आपको ट्रांसमिशन मोड डिफाइन करता है। तो मेनली ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, ट्रांसमिशन मोड दो डिवाइस के बीच में किसी भी डाटा को ट्रांसमिट करने का जो फॉर्मेट होता है उसे हम ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन मोड के कुछ टाइप्स हैं। ट्रांसमिशन मोड के मेनली जो टाइप्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आपका टाइप्स होता है सिंप्लेक्स, नेक्स्ट है आपका हाफ डुप्लेक्स और नेक्स्ट होता है आपका फुल डुप्लेक्स। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे सिंप्लेक्स के बारे में। सबसे पहले सिंप्लेक्स मोड किसे कहा जाता है, आपके पास यहाँ पे डायग्राम से ही डिफाइन हो रहा है जिसमें क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल मोड होता है, यानी आप इसमें क्या करते हो, वन वे में डाटा का जो ट्रांसमिट का जो फॉर्मेट होता है ये वन वे में होता है। इसमें मेनली दो डिवाइस होते हैं आपके पास, एक आपके पास यहाँ पे एक सेंडर होता है एंड रिसीवर होता है। अब जो डाटा का जो ट्रांसमिट होगा वन वे में, यानी यहाँ पे क्या होता है कि सेंडर द्वारा रिसीवर को डाटा भेजा जाता है, लेकिन कभी रिसीवर सेंडर को डाटा नहीं भेज सकता और इसमें होता है कि आप एक टाइम में सिर्फ एक ही डाटा को ट्रांसफर कर सकता है, यानी दोनों एक टाइम में आपका डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा, सिर्फ आपका सिर्फ सेंडर ही सेंडर डाटा को ट्रांसफर कर सकता है, डाटा का जो ट्रांसमिट होगा वन वे में होगा, सिर्फ आपका क्या हो सकता है, एक ही वे में डाटा का ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे एग्जांपल हो गया आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या कर सकता है, सिर्फ डाटा को सेंड कर सकता है लेकिन डाटा को रिसीव नहीं कर सकता। आपका नेक्स्ट एग्जांपल हो गया प्रिंटर, सिर्फ हम प्रिंटर को प्रिंट की कमांड दे सकते हैं लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वहां से डाटा वापस रिसीव नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका रेडियोस, रेडियोस का आपका क्या है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपका सिंप्लेक्स मोड का। नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है आपके पास हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में अभी आपके पास दो डिवाइसेस होते हैं, मेनली एक सेंडर और एक रिसीवर होता है। अब इसमें जो डाटा का जो ट्रांसमिट का फॉर्मेट होता है ये वन वे में सिर्फ एक ही डाटा ट्रांसफर कर सकता है और रिसीव कर सकते हैं, यानी जब आपका सेंडर रिसीवर को डाटा भेज रहा है तो रिसीवर आपके सेंडर को डाटा नहीं भेज सकता, यानी एक टाइम में, यानी रिसीवर आपका रिसीव कर रहा है तो वो रिसीव ही करेगा, जब उसका वर्क कंप्लीट हो जाता है फिर ही रिसीवर सेंडर को डाटा भेज सकता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हो गया वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी में यही होता है कि आपके पास जब एक डाटा सेंड कर रहा है तो दूसरा आपका डाटा रिसीव कर रहा होता है, वो डाटा कोई सेंड नहीं कर सकता। जब उसका फर्स्ट का कंप्लीट हो जाता है डाटा सेंडिंग का वर्क, तब ही सेकेंड जो पर्सन होता है वो अपना डाटा सेंड कर सकता है। तो वॉकी टॉकी क्या होता है, आपका हाफ डुप्लेक्स मोड का बेस्ट एग्जांपल होता है। नेक्स्ट जो है आपके पास यहाँ पे है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड में यहाँ पे आपके पास मेनली दो ही डिवाइस होते हैं, रिसीवर एंड सेंडर। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास बोथ साइड से क्या हो सकता है, डाटा का ट्रांसमिट का फॉर्मेट हो सकता है, यानी आपके पास सेंडर रिसीवर तक डाटा पहुंचा सकता है एंड रिसीवर सेंडर तक डाटा पहुंचा सकता है। आपके पास यहाँ पे दोनों सेम टाइम में डाटा का ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी कि एक ही टाइम पे दोनों डाटा का ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे आपके सिंप्लेक्स मोड में वन वे में होता है, आपके पास हाफ डुप्लेक्स मोड में आपके पास दोनों वे में लेकिन एक टाइम में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे होता है आपके पास फुल डुप्लेक्स मोड में दोनों एक टाइम में डाटा सेंड भी कर सकते हैं एंड
रिसीव भी कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया जैसे आपके मोबाइल्स हो गए, आप क्या करते हो उन्हें डाटा सेंड भी कर सकते हो एक टाइम में और रिसीव भी कर सकते हो। आपका टेलीफोन्स हो गया, ये आपके बेस्ट एग्जांपल होते हैं फुल डुप्लेक्स मोड के। सो आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।